Hello my friends, I'm your host Rishabh Rajesh. If you like our channel, please subscribe to our channel and after subscribing, press the bell icon to stay notified for latest updates. हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो ऑटो एक्सपो 2020 से। और इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं टाटा की एक सेमी कॉन्सेप्ट कार HBX के बारे में। पहले ये H2X था, अभी HBX है। तो ये है टाटा के HBX का फ्रंट लाइट्स या फ्रंट हेडलैम्प्स। ऊपर आपको हैरियर की तरह ही DRLs मिलते हैं, शेप थोड़ा डिफरेंट है। नीचे से भी आपको जो डिज़ाइन मिलता है वो काफ़ी बड़ा है। और यहाँ पे जो आप ग्रिल देखेंगे, आपको दोनों तरफ लाइट्स मिलते हैं और यहाँ पे और वो साइड पे भी। और आपको ग्लॉस ब्लैक आपको मिलेगा और आपको एक यहाँ पे ट्राई आरो डिज़ाइन पैटर्न और बीच में टाटा का लोगो। नीचे बम्पर में भी आपको ट्राई आरो डिज़ाइन और नीचे आपको कोई भी अभी एयर वेंट्स या एयर इनटेक और एग्जिट करने के लिए जगह नहीं है। एज ये एक सेमी कॉन्सेप्ट कार है, इसमें कुछ बिट्स हैं जो अभी भी चेंज होने बाकी हैं। और ओवरऑल इसका लुक काफ़ी शानदार दिखता है और मेरे को तो काफ़ी पसंद आया जेन्युइनली। तो आप भी बताएं आपको कैसा लगा। और ये इसका कुछ फ्रंट प्रोफाइल है, अभी हम आपको इसका साइड प्रोफाइल दिखाएंगे। और साइड में देखेंगे तो आपको बहुत ही स्टाइलिश मैट ग्रे फिनिश या स्मोक्ड ग्रे फिनिश और बीच में ब्लैक फिनिशिंग में आपको एलॉयज़ मिलेंगे। और ये 205/75 R15 एलॉयज़। और ये एक ऑफ रोडिंग टायर्स लगते हैं क्योंकि ये वैसे ही टायर्स, इसका विड्थ काफ़ी ज़्यादा है, गाड़ी से थोड़ा बाहर निकल के आता है। बट ये तो प्रोडक्शन मॉडल में नहीं आएगा और ये शायद टक्कर देगा KUV100 को। और अगर ये इलेक्ट्रिक रहेगा तो इसको EKUV100 से टक्कर लेना पड़ेगा। यहाँ पे आपको गोल्डन ब्राउन्स कलर में आपको ORVMs विद साइड टर्न इंडिकेटर्स मिलेंगे। और यहाँ पे जो ए पिलर है वो पूरा आपको ग्लॉस ब्लैक में मिलता है, जो काफ़ी शानदार और काफ़ी प्रीमियम दिखता है। यहाँ पे जो डोर हैंडल्स मिलते हैं उसका, जहाँ पे वो रेस्ट करता है वो काफ़ी बड़ा और प्रोमिनेंट है। और उसमें आपको एक रिक्वेस्ट सेंसर या रिक्वेस्ट पैच मिलेगा। जो आपको क्लैडिंग मिलता है साइड में, उधर टाटा मोटर्स डिज़ाइन की बैजिंग है। और ये थोड़ा स्लोप करके जाता है, यानी स्ट्रेट नहीं है और थोड़ा अनइवन है, तो वो भी इसको एक ऑफ रोडिंग कैरेक्टर देता है। यहाँ पे एक राइनो की बैजिंग है, आपको सी पिलर ग्लॉस ब्लैक में मिलेगा। तो ये एक राइनो का है, राइनोसोरस या राइनो कह सकते हैं। और आपको इधर देखेंगे तो अल्ट्रॉस जैसा ही आपको डोर हैंडल्स मिलते हैं, जो सी पिलर के विंडो किंग पे है। और रियर में आपको 3-spoke बूमरैंग शेप, आपको अंदर LED टेल लैंप का डिज़ाइन मिलेगा और आपको फ्लैशिंग इंडिकेटर्स मिलेंगे या बाउंसिंग इंडिकेटर्स कह सकते हैं। इधर आपको टाटा का लोगो क्रोम में और नीचे एक कैमरा। यहाँ पे HBX की प्लेटिंग, यहाँ पे आपका नंबर प्लेट आएगा। नीचे भी आपको कोई डिफ्यूज़र अभी तो नहीं मिलता है और शायद एक्चुअल प्रोडक्शन कार में भी ना मिले, लेकिन आपको सिंगल एग्जॉस्ट का मोस्टली मिलेगा। यहाँ पे जो साइड पे ये ट्राई आरो पैटर्न में रेड कलर का है, ये शायद प्रोडक्शन में आए, लेकिन ये भी थोड़े इसके चांसेस कम लग रहे हैं। एनीवेज जब प्रोडक्शन आएगा तो हम उसको ज़रूर देख पाएंगे। और यहाँ पे अभी हम बाहर आ चुके हैं और अभी हम आपको ऊपर जो है, यहाँ पे आपको फिर रियर वाइप वॉश फंक्शन और डीफॉगर और हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिलता है। और जो आपको स्पॉइलर मिलता है ऊपर, वो आपको ब्रॉन्ज कलर में, गोल्डन ब्राउन या गोल्डन ब्रॉन्ज कलर में मिलेगा। ऊपर आपको एक रूफ कैरियर भी मिलेगा विथ अ स्पेयर व्हील। और यहाँ पे पेट्रोल कैन लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में आएगा नहीं कि लीगली इट्स नॉट अलाउड।
तो ये एक मैट ग्रे फिनिशिंग है विथ गोल्डन ब्राउन्स कलर रूफ, और यही कुछ है इसका ओवरऑल लुक। अभी हम आपको इसका इंटीरियर दिखाएंगे जो काफ़ी शानदार दिखता है, काफ़ी स्टाइलिश और काफ़ी प्रीमियम दिखता है। तो अभी आपको बताएंगे इन 3, 2, 1 को। ये है इसका इंटीरियर। यहाँ पे आपको एक कंपस मिलेगा, डोर पैनल पे आपको हरमन गार्डन का ही मोस्टली मिलेगा सिस्टम। इधर आपको अगेन गोल्डन ब्राउन्स या क्रीमिश कलर में आपको पैडिंग मिलेगा। जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रहेगा वो आपको अल्ट्रॉस जैसा ही मिलता है, सेमी डिजिटल। और जो स्टेयरिंग व्हील मिलेगा उसमें भी आपको गोल्डन ब्राउन्स कलर का स्टिचिंग मिलेगा, और अल्ट्रॉस जैसा ही फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील है विथ ड्यूल हॉर्न एंड स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स। और इसमें क्रूज कंट्रोल का भी ऑप्शन है विच इज़ अ गुड टच। तो ये वीडियो थोड़ा टेक्निकलिटीज पे भी फोकस रहेगा। जो स्क्रीन है वो थोड़ा अल्ट्रॉस से बड़ा दिखता है, और जो एसी इवेंट्स उसके अराउंड भी आपको गोल्डन ब्रॉन्ज फिनिशिंग मिलेगा। और स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे भी आपको एक कंपस मिलता है, और जीप कंपस नहीं, आपको जो हैंड हेल्ड डिवाइस होता है डायरेक्शन के लिए वो वाला कंपस मिलेगा। डैशबोर्ड पे भी आपको गोल्डन ब्राउन्स लेदर में मिलेगा, और यहाँ पे आपको ऑटो एसी कंट्रोल्स मिलेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा क्रैम्ड लग रहा है इसलिए थोड़ा शेकी आ रहा होगा। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिलेगा, यहाँ पे लेदर सीट्स मिलते हैं, और उस पर भी आपको गोल्डन ब्रॉन्ज का फिनिशिंग विथ HBX बैजिंग। नीचे भी आपको काफ़ी बोलस्ट्रिंग मिलता है यानी, और साइड पे भी जो बोलस्ट्रिंग्स है ऐसा लगता है कि जो सीट है वो आपको हग कर रहा है। जो ट्रांसमिशन है वो एक 5-स्पीड ट्रांसमिशन है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो आर्मरेस्ट तो नहीं है बीच में, नहीं सॉरी आर्मरेस्ट है। और यहाँ पे एक राइनो के बैजिंग के साथ आपको मिलता है ये। तो ये कुछ है इसका फ्रंट का प्रोफाइल, यानी इंटीरियर में फ्रंट का प्रोफाइल। इधर आपको पूरा ब्लैक फिनिशिंग में रूफ मिलेगा, और ये काफ़ी प्रोडक्शन मॉडल जैसा इंटीरियर दिखता है। यहाँ पे ऐसा नहीं लगता है कि ये कोई कॉन्सेप्ट मॉडल है। कुछ चेंजेस आएंगे, जैसे इसमें शायद कंपस ना हो, हो जाएगा तो बल्ले बल्ले यानी मज़े आ जाएंगे। तो अभी इसका रियर प्रोफाइल आपको दिखाते हैं। आप अगर रियर साइड में देखेंगे तो आपको एक रियर आर्मरेस्ट मिलता है, एक्चुअली मैं बोलना भूल गया सॉरी। और यहाँ पे आपको एक रोप मिलता है, यानी अगेन इसके स्पोर्टी लुक और स्पोर्टी मैचों को दिखाने के लिए। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है आपको, और यहाँ पे भी आपको गोल्डन ब्राउन स्टिचिंग मिल रहा है। जो डोर पैड है वो सिंपल है आपको, इधर आपको विंडो कंट्रोल्स मिल जाते हैं। जैसे मैंने आपको रूफ कैरियर भी दिखाया, वहाँ पे भी आपको एक पेट्रोल कैन मिल जाता है, और एक स्पेयर टायर जिसमें मैंने आपको एक्सटीरियर के वॉक अराउंड में दिखाया था। तो ये रूफ़ कैरियर भी काफ़ी बड़ा है, ये शायद ना आएगा। तो दोस्तों यही था एक डिटेल्ड वॉक अराउंड ऑफ द टाटा HBX, और मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन भी दबा दीजिए लेटेस्ट नोटिफिकेशंस पाने के लिए।